नमस्कार, अभी हम पहुंचे हुए हैं संगम नगरी प्रयाग में। माघ मेला चालू है और माघ मेले में अभी हम आए हुए हैं, जहां पर हमको दिखाई दिया कि यहां पर जो है रेलवे का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, जो कि रेलवे लाइन का जो है काम चालू हुआ है पुल का। और इस बीच में आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है और काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया है, जो कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर जो है अभी काम बाकी भी है, लेकिन फिलहाल जो है जो पुल का जो है पिलर है वो तैयार लगभग हो चुका है। और दूसरी तरफ जो है अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि दूसरी तरफ दिखाइए, जहाँ तक कि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ काम यहाँ पर भी बनकर तैयार हो चुका है। और जो है हनुमानगंज तक जो है वो रेलवे लाइन जो है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और जो है झूसी और झूसी के किनारे से और गंगा जी के किनारे से उस दारागंज के किनारे तक जो है अभी फिलहाल जो है गंगा जी को होने की वजह से यहां पर जो है अभी पुल का निर्माण चालू है, जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। बताया जाता है कि 2025 जो है माघ मेले यानी कुंभ मेले के अंतर्गत उसके पहले ही जो है इसका जो है पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा। और ताकि यहाँ पर जो है बगल वाली जो लाइन जो आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा अपने सहयोगी से बोलेंगे कि थोड़ा उधर का जो है दिखाइए लाइन जो है उसका जो है वो कमज़ोर हो गया है थोड़ा। बताया जाता है उसका हल्का लोड करने के लिए इस जो है नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे सहयोगी दादाजी हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे। दादाजी, ये जो पुल बन रहा है कहीं ना कहीं बताया जाता है कि इस पुल की जो है वजन ज़्यादा लेने की क्षमता नहीं है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा ही लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि पुराने जो पुल होते हैं उसकी कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा टिकते हैं, लेकिन नए पुल जो है बनते बनते ही टूट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मिलावट को बताया जाता होता है काम। बिल्कुल वही बात है, मिलावट और कमज़ोर बनाया जा रहा है, कमज़ोर बनाया जा रहा है, जो कि सरकार से ज़्यादा लिया जा रहा है और जो है प्रशासन इस पर ध्यान कम दे रही है, जो कि बहुत ही कमज़ोर बनाया जा रहा है। बनते एक तरफ से बनता है, दूसरी तरफ से टूट जाता है, ऐसा काफ़ी जो है देखने को मिला है। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी यहां पर इंजीनियर हैं उनसे यही निवेदन है कि कृपया सरकार जो पैसा दे रही उससे कहीं ना कहीं आप लोग जो बहुत कम पैसा खर्च करके इसको पुल को तैयार कर रहे हो, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि हम ही लोग का जो है जिस जनता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं उसी जनता के पैसे से यह बन रहा है, तो आप लोग उस जनता का जो है गलत फ़ायदा ना उठाइए। क्योंकि अगर वो जनता आपको टैक्स दे रही है तो किसके लिए दे रही है? अगर आपको टैक्स नहीं देगी तो आप पुल का निर्माण कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ कि दारागंज तक जो है अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, झूसी लगभग रामबाग तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, उधर हनुमानगंज की तरफ जो है कंप्लीट हो गया है। और आपको दिखा देते हैं कि जो कि इधर भी कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन दिलीप इलाहाबादी ब्लॉग के साथ मैं राम सिंह प्रजापति, अंजू डेली ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।